वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद संगीता। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे बेसन की बूंदी। वैसे तो बूंदी हमेशा बेसन से ही बनाई जाती है, आज हम एकदम बिल्कुल परफेक्ट हलवाई के जैसे बेसन की बूंदी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा सब्सक्रिप्शन का टारगेट पूरा हो सके और मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आ सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन की बूंदी की रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डो बनाएंगे। इसके लिए तो हमने एक कटोरी यहाँ पर बेसन लिया हुआ है, छाना हुआ बेसन है ये। और सबसे पहले इसका हम बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पर बाउल लिया है हमने और इसमें बेसन को डाल लेंगे और एक कटोरी ही हमने पानी लिया है। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका जो लम्स है उसको हम अच्छे तरह से फेंट करके और हटा लेंगे। एक ही बार में ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसको इसके लम्स हटाने में प्रॉब्लम होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के पहले अच्छे से फेंट लें ताकि इसके लम्स अच्छे से और आसानी से हट जाएं। उसके बाद इसमें हम उतना ही पानी डालेंगे जितना कि बूंदी के बैटर की कंसिस्टेंसी होती है। तो लम्स सारा इसमें हट चुका है और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी और मिला लेते हैं। और इसको मिला लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम और पानी डालेंगे। बस इतना ही पानी डाल करके इसे बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, कम से कम 10 मिनट इसे फेंटें। और बहुत अच्छे से फेंटेंगे तभी बूंदी अच्छे से फूली फूली बनेंगी, नहीं तो चपटी बन जाएंगी बूंदी। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना तो आप इसमें थोड़ा सा एक चुटकी सोडा भी डाल सकते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा आपको फेंटना नहीं पड़े। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, एकदम पोरिंग वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बूंदी की कंसिस्टेंसी है। इसमें और ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम। तो इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। फूड कलर से थोड़ा सा इसका बूंदी का कलर देखने में अच्छा लगता है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हाफ टी स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बूंदी क्रिस्पी बनती है और सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पर एक कटोरी बेसन के लिए हमने हाफ टी स्पून ही कुकिंग ऑयल लिया है, आप ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हमने बेसन को फेंट लिया है और अब हम इसे साइड रख देते हैं। और सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेंगे। अब तो यहाँ पर एक बर्तन लिया है हमने और इसमें हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो दो कटोरी चीनी हम लेंगे, इसके लिए एक कटोरी हमने बेसन लिया था तो दो कटोरी चीनी का हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। इसके बाद दो कटोरी चीनी में हम एक कटोरी पानी डालेंगे और इसको गैस ऑन करके मीडियम फ्लेम पर चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक ताड़ वाली चाशनी बनानी है। अगर चाशनी को आप ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे तो आपकी बूंदी बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएंगी। बहुत मीठी भी बूंदी पसंद करते हैं तो आप चाशनी थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हैं। यहाँ पर हम एक ताड़ वाली चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से चेक कर लें, टच करके देख रहे हैं आप, एक तार की चाशनी बन रही है। तो बस चाशनी बनकर तैयार है और गैस को हम बंद कर देंगे और चाशनी को साइड रख देंगे। और चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ गैस पर हमने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था और चेक कर लेते हैं ऑयल अच्छा से गर्म हुआ है या नहीं। तो बैटर के एक दो बूंद गिराकर देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, बैटर डालते के साथ एकदम ऑयल में अच्छी तरह से तैरने लगा। इसका मतलब है हमारा बैटर भी एकदम परफेक्ट रेडी है और ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है और बूंदी बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो इसको हम निकाल लेते हैं और अब हम बूंदी बनाएंगे। तो बूंदी बनाने के लिए अगर आपके पास बूंदी बनाने वाले झारे नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, इसी तरह का हम छन्नी लेंगे इस तरह का। और ये हर किसी के घर में मौजूद होता है और इसी में हम बैटर डालकर और बूंदी बनाएंगे। बहुत आसानी से बहुत अच्छा बूंदी बनता है इससे। तो इस तरह से हम बैटर को इसके ऊपर गिराते जाएंगे और आप देख सकते हैं बैटर नीचे ऑयल में जा करके बहुत अच्छे तरह से फैलने लगा है और एकदम गोल गोल बूंदी बन रहा है। इसका मतलब है बैटर भी बहुत अच्छा से रेडी है और हमारा ऑयल भी बहुत अच्छा से गर्म है, तभी आपका बूंदी गोल गोल बनेगा। नहीं तो अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो बूंदी जा करके नीचे में बैठ जाएंगे और चिपटा बनने लग जाएगा। तो यहाँ पर फ्लेम का बहुत अधिक ध्यान देना है, मीडियम फ्लेम पर बनाना है और ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो बस इसको थोड़ी देर हम
और मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। इसका कलर चेंज हमें नहीं करना है, बस थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाना चाहिए। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसको सब को छान कर हमने निकाल लिया है। देख सकते हैं आप, एकदम गोल गोल क्रिस्पी बूंदी बनकर तैयार है। बहुत अच्छा क्रिस्पी बूंदी बना है। और अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ पर चाशनी हमारा गर्म है, इसमें हम बूंदी डाल देंगे। अगर चाशनी ठंडा हो गया हो तो उसे फिर से दोबारा से गैस पर चढ़ाकर गर्म कर लें। ठंडे चाशनी में बूंदी को नहीं डालें, नहीं तो ये अच्छे से उसमें नहीं भींगेंगे। तो इसको 5 मिनट इसमें छोड़ देंगे, 5-6 मिनट, जब तक कि पूरे अच्छे तरह से चाशनी में बूंदी भींग ना जाए, तब तक इसे नहीं निकालेंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो बहुत अच्छे से बूंदी जो है चाशनी में भींग चुका है, दिखा सकते हैं आपको, देख रहे हैं आप, एकदम अच्छे से बूंदी चाशनी में भींग चुका है। तो एकदम रेडी है जूसी मीठी बूंदी बन करके, और इसे अब हम चाशनी से निकाल लेंगे। तो एकदम परफेक्ट बूंदी बन करके तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से आप भी अपने घर पर बूंदी बना सकते हैं। बूंदी अक्सर हमारे यहाँ त्यौहार में या कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें बनता है, या आप बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। बच्चे अक्सर मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बच्चों के लिए बना सकते हैं, इसे लंच में दे सकते हैं बच्चों को। तो आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो सारे बूंदी बनकर तैयार हैं, देख सकते हैं आप कितना बढ़िया एकदम बूंदी बनकर तैयार है। हर बूंदी में, एक एक बूंदी में अच्छे से इसमें रस में डूबा हुआ है, एकदम चाशनी अच्छे से इसमें घुसा है। तो आप भी ट्राई करें इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।